नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। बेलीशॉप मोतीबाग रेलवे कॉलोनी कामठी रोड स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में राम जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का यह 20वां वर्ष है। रामनवमी के अवसर पर 316 वर्ष प्राचीन श्री शिव मंदिर में शोभायात्रा में उत्तर नागपुर के विधायक एवं पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व नगर सेवक संदीप सहारे, नागपुर नागरिक बैंक के अध्यक्ष संजय भेंडे, नवनीत सिंह तुली, वीरेंद्र झा, डॉक्टर प्रवीण डबली, पी सत्याराव, जुगल किशोर शाहू, शरद शर्मा, उमेश चौकसे, विजय गुप्ते, प्रदीप कुमार, प्रकाशराव गुंडू, पी विजय कुमार, दीपांकर पॉल मुख्य रूप से उपस्थित थे। शोभायात्रा की शुरुआत से पहले सभी अतिथियों ने मंदिर में स्थापित राम जानकी जी की प्रतिमा का पूजन किया। तत्पश्चात मंदिर में अष्टधातु की 1.5 फीट ऊंची अभिषेक प्रतिमाओं का पूजन कर उन्हें नगर भ्रमण हेतु गुब्बारे से सजाए रथ पर सवार किया गया। सभी अतिथियों का राम नाम के दुपट्टे से स्वागत किया गया। राम दरबार के विग्रह प्रतिमाओं के पूजन के पश्चात उपस्थित अतिथियों ने शोभायात्रा आयोजन की प्रशंसा की। संजय भिंडे ने कहा कि आयोजकों के कार्य एवं उनकी निष्ठा अत्यंत प्रशंसनीय है। यह धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सामाजिक संदेश देने के लिए भी कार्य किया जाता है। रामनवमी के पावन पर्व पर सारंग कल्चरल फाउंडेशन की ओर से गांधी पुतला सीए रोड पर भोसला राजघराने की लगभग 300 साल पुरानी ऐतिहासिक श्री रामनवमी शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले फाउंडेशन के संस्थापक तथा अध्यक्ष सारंग ढोक एवं फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी की विधिवत पूजा की गई। इस अवसर पर पटाखों की भव्य आतिशबाजी की गई एवं परिसर के श्रद्धालुओं में महाप्रसाद वितरण किया गया। साथ ही भोसला राजघराने के वंशज श्रीमंत राजे रघुजी भोसले पंचम, श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले तृतीय, श्रीमंत जयसिंह राजे भोसले का हार पहनाकर एवं श्रीफल देकर स्वागत किया गया। संपूर्ण परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर परिसर के नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य रूप से लोकेश झुनके, शैलेश डोमड़े, एडवोकेट रोहिणी ढोक, राजन गुप्ता, चंदू बिंड, संजय बिंड, अतुल ढगे, गणेश गरुड़, सैयद शबीर, एडवोकेट प्रदीप देशमुख, राजू गुसेवाड़े, रमेश लारूकर, अक्षय मुंगले, मनीष पवार, रमेश पवार, राहुल सूर्यवंशी, मोंटू गुरव, प्रवीण ढगे, प्रवीण गरुड़, किशोर बारी, रोशन बारी, राजेंद्र पुराणिक, राहुल गुप्त, राहुल सूर्यवंशी, सोमीनाथ घुलप, बंटी पवार, रोशन जयसवाल, उदय सिंह अहिरराव, प्रथमेश जोशी आदि उपस्थित थे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ की रचना की है, जिसमें श्री राम अवतार के साथ साथ अन्य 23 हिंदू अवतारों का भी विस्तृत तरीके से वर्णन किया है। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है। आमतौर पर लोगों को तुलसीदास एवं वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की जानकारी है। यह दसम ग्रंथ नांदेड़ स्थित श्री सचखंड गुरुद्वारा, श्री माता साहिब, श्री पटना साहिब व नानक जीरा तथा अन्य प्रमुख गुरुद्वारों में विराजमान है। इस आशय के विचार जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल द्वारा आयोजित श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर एडवोकेट माधवदास ममतानी ने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के समक्ष व्यक्त किए। एडवोकेट माधवदास ममतानी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ में अपने वंश की उत्पत्ति श्री रामचंद्र के वंश से बताई है, जिसका उल्लेख दसम ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है कि सूर्यवंश में राजा रघुजी हुए, जिनसे रघुवंश चला। राजा रघु को पुत्र अज हुआ और अज का पुत्र दशरथ हुआ, जिनके 4 पुत्र राजा रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न हुए। श्री रामचंद्र जी को 2 पुत्र लव व कुश हुए। लव ने लाहौर शहर को राजधानी बनाई व कुश ने कसूर शहर बसाया। श्रीराम जन्मोत्सव व रामनवमी के उपलक्ष्य में मानकापुर मित्र मंडल की ओर से मानकापुर क्षेत्र में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। प्राचीन शिव मंदिर से निकली भव्य रैली में सभी राम भक्तों को कल्पना टॉकी चौक मानकापुर में महाप्रसाद व छाछ बांटा गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कल्लू तिवारी, रितेश शिवपेट, अजय मोहबे, पप्पू मिश्रा, दीपक इंगले, नागेश तालेवार, राजेश तिवारी, बबलू बक्सरिया, पन्नालाल अहिर, हर्षल देवे, टोनी मिश्रा, नीलेश भूरा, मोहम्मद सरताज, मुदस्सर भाई, प्रदीप बर्डे, सुखदेव दरवाई गुप्ता, विपिन अटकुरवार, अरियन भाई आदि सदस्यों एवं श्रद्धालुओं का योगदान रहा। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर देशपांडे लेआउट में श्री राम धुन रैली का आयोजन आरएसएस देशपांडे लेआउट शाखा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया गया। सबसे पहले भगवान राम की फोटो पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। यह रैली स्थानीय एनआईटी गार्डन से निकलकर वैष्णोदेवी चौक से अंदर कॉलोनियों में घूमते हुए त्रिमूर्ति नगर स्थित हनुमान मंदिर पहुंची।
पूरे रास्ते श्री राम धुन रैली पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पर प्रभु श्री राम के भक्तों में जूस, आइसक्रीम, लस्सी, छाछ का वितरण किया गया। रास्ते में जय श्री राम का जय घोष होता रहा और रामधुन के भजन बजते रहे। अंत में भगवान की आरती कर समापन किया गया। इस रैली में मुकेश अग्रवाल, मुकुल केवलिया के साथ मनोज अग्रवाल, हितेश जोशी, विनोद कोचर, चरणकांत धावड़े, राम संभार त्रिपाठी, प्रशांत रतन, रमाकांत सारडा, मनोज पुरोहित, दिलीप बिहानी, हेमंत अडिलकर, शरद नेमानी, हेमंत गोयदानी, संतोष कुमार अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, सुनील मालू, आशीष मर्जीवे, मनीषा धावड़े, रेखा घीमे, इंदु अंबिल दुखे, मच्छिंद्र सिलवासु, मनोज खेमानी, सुनील गुप्ता, मनोज खेमानी व अन्य सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा कर रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रामनवमी के पावन पर्व पर श्रीराम भक्त परिवार हिवरी नगर द्वारा वैष्णो देवी चौक में धवल हितेश जोशी ने अपने मंडल सहित भगवान राम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। भगवान को चावल, चना, हलवे का भोग लगाने के पश्चात लोगों में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर हितेश जोशी, मनोज अग्रवाल, चेतना टांग, बाल्या बोरकर, दुनेश्वर पेठे, रत्नमाला जोशी, रजनी सिलवेरू, रानी धावड़े, ममता चांडक, अर्चना सोनावने, बिट्टू तिवारी, संदीप साबू, लखन श्रीवास, नंदकुमार सोनी, मनीषा धावड़े, कांता रारोकर, रेखा श्रीवास, जेपी शर्मा, मनोहर चिकटे, नाना पडोले, जयेश बिहारे, नितेश शर्मा, राजू खुराना, राकेश पवार, दीपक शर्मा, शुभम क्षीरसागर, भावेश सचदेव, हर्ष कुंदवानी, धीरज चोपड़े, गोपाल शर्मा, कृष्णा तलरेजा, तानिश सचदेव, निशान भट्टेजा, करण कुंदवानी, वेणुगोपाल सिलवेरू आदि नागरिकगण तथा श्रद्धालु उपस्थित थे। वैशाली नगर युवा संगठन वैशाली नगर नागपुर की ओर से डॉक्टर अंबेडकर गार्डन में रामनवमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री राम की आरती करने के पश्चात श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया तथा साथ ही साइकिल व गाड़ी रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सचिन गिदवानी, वैभव कपूर, योगेश गायकवाड़, राजेश यादव ने किया। गौरव राय, कोमल वरियानी, अमित वरियानी, दिनेश यादव, संजय बर्डे, मनोज पारशिवनीकर, संजय माटा, देवेंद्र पांडे, तुषार बुलानी, शैलेश पाल, अभिलाष पांडे, सचिन निमजे, शशांक कुलश्रेष्ठ आदि ने रैली की सफलता के लिए योगदान दिया। सिंधु युवा शक्ति द्वारा श्री रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। संस्था के अध्यक्ष महेश भट्टेजा ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बच्चों के साथ केक काटा। इस अवसर पर संस्था के राजेश धनवानी, हीरा मोटवानी, घनश्याम लालवानी, किशोर वासवानी, अनूप आसवानी, दिलीप धनवानी, चंदन राघवानी, किशोर धनवानी, आवतराम चावला, गिरीश मंझानी, हिरू राघवानी, जय खत्री, मनीष मोटवानी, सुनील मोटवानी, भरत पारवानी, राम दलवानी, हरीश मूलचंदानी, जय मूलचंदानी, विजय जेसवानी सहित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी उपस्थित थे। रामनवमी के अवसर पर शहीद चौक से अहिंसा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ तहसील पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनवने ने किया। इस रैली में प्रमुख सभापति शीतलचंद पूरनचंद जैन, उपसभापति प्रफुल्ल कुमार ताराचंद मोदी, रैली के अध्यक्ष भीकमचंद पन्नाराव जैन, रैली उद्घाटक सुहास चौधरी, डॉक्टर सुरेश जैन, विजय कुमार सराफ, सचिन नन्नेलाल बड़कुर, संदीप लालू, संयोजक सुरेश डायमंड, उपसंयोजक इंदरचंद पेटिस जैन, विशेष सहयोगी सोनू सिंघई, बंधन बरवा आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मे हॉस्पिटल में अहिंसा स्थल पर ध्वजारोहण अनुज शांतिलाल बड़जात्या द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेश पारक, प्रमुख अतिथि डॉक्टर भावना सोनावने, डॉक्टर माधुरी थोरात, विशेष अतिथि पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व नगरसेवक जुल्फेकार अली भुट्टो, संदीप मेंडे, संयोजक संजय टक्कामोरे, उपसंयोजक गौरव शाहकार, हितेश अशोक जैन प्रमुखता से उपस्थित थे। आज मंगलवार 12 अप्रैल को शाम 7:30 बजे महिला समूह नृत्य नाटिका स्पर्धा 2022 का आयोजन किया गया है। इस नाटिका का उद्घाटन उद्योगपति नितिन खारा द्वारा होगा। मुख्य अतिथि के रूप में कांचन नितिन गडकरी उपस्थित रहेंगे। अन्य उपस्थित मान्यवरों में वितिना शाहू, नरेश जैन, विपुल मेहता, महिपाल सेठी, महेंद्र जैन, भरतभाई जैन, दिलीप जैन, रजनीश जैन आदि मान्यवर उपस्थित रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं मानव सेवा के लिए सदा समर्पित सर्व मानव सेवा संघ प्रधानमंत्री आवास योजना तरोड़ी शाखा ने राम जन्मोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हर्षोल्लास से भाग लिया। 2 वर्ष के बाद इस तरीके से त्यौहार मनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा, सरपंच बिड़गांव निकेश कातुरे, कार्याध्यक्ष केतन सेठिया, महामंत्री गणेश रेड्डी, मनोज बेताला, ज्योति द्विवेदी, सागर बारड़ तथा पुलिस उपनिरीक्षक वानखेड़े उपस्थित थे।
इस अवसर पर सभी अतिथियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा की पूजा की। तत्पश्चात कोटेचा ने कहा कि रामचंद्र जी के आदर्शों को अपने जीवन में अमल में लाने से ही हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकेंगे। अपने बच्चों को संस्कार दे ताकि वे दूसरों के लिए आदर्श बने। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रीतम बोकड़े, अक्षय बेलसरे, प्रशांत बोरकर, शरद समृत, रविन्द्र तायड़े, संजय सिंह, नितिन बंड, शैलेश देशमुख, पारस पगाड़े, कंचन सातपड़े, सोनू गोस्वामी, रजत पराते, अमित मरगड़े, कुशल नागरिकर, संजय बेलसरे, वीना डोमड़े ने अथक प्रयास किए। कार्यक्रम में सहयोग ग्रुप, समांतर व्यापारी संगठन, प्रधानमंत्री आवास योजना मित्र परिवार, स्वप्नपूर्ति सोसाइटी, धम्मदीप बुद्ध समिति, शिवशक्ति ग्रुप, शिवराय ग्रुप, नवयुग मित्र मंडल आदि संगठनों के पदाधिकारियों ने योगदान दिया। गुलमोहर प्लाजा गोरेवाड़ा में 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें कथावाचक श्री गुरु त्रिलोकीनाथ पांडे के मुखारविंद से दोपहर 3 बजे से शाम के 7 बजे तक भागवत कथा पाठ प्रवचन होगा। 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से महाप्रसाद वितरण एवं कथा का समापन होगा। श्रद्धालुओं से भागवत कथा का लाभ लेने की अपील पंडित राम विवेक मिश्रा ने की है। पिछले 56 वर्षों से रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन करने वाले रामकृष्ण पोद्दार के काम की सराहना करते हुए सार्थक फाउंडेशन नागपुर द्वारा उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया। 1967 में रामकृष्ण पोद्दार ने रामनवमी के दिन नागपुर शहर में शोभा यात्रा निकालने की प्रथा शुरू की तथा इस शोभा यात्रा की शुरुआत हर साल पोद्दारेश्वर राम मंदिर से की जाने लगी और इसका विधिवत पूजन नागपुर शहर के महापौर द्वारा किया जाने लगा। इस शोभा यात्रा में हर साल लगभग 22,000 स्वयंसेवक 17 लाख भक्तों की सेवा में जुट जाते हैं। इस शोभा यात्रा का आयोजन शहर की कई संस्थाएं मिलकर करती है। इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सार्थक फाउंडेशन ने रामकृष्ण पोद्दार एवं उनकी पत्नी का सत्कार किया। इस अवसर पर सार्थक फाउंडेशन के महेश बंग, विनोद चतुर्वेदी, सुधीर भायती, संजय पालीवाल, अजय मल, पंकज महाजन, संजय लोया, राजेश अग्रवाल, कन्हैया मंत्री, शरद राठी, हेमंत शर्मा, दीपक अग्रवाल, योगेश मालपानी, हरीश गुप्ता और सार्थक फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में तकरार निवारण समिति के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बिंजानी महिला महाविद्यालय की गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर शुभांगी कोकेकर थी। उन्होंने महिला स्वास्थ्य और महिला सबलीकरण विषय पर छात्राओं को मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वह स्वयं तथा उसके परिजन सबल रहेंगे। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने स्वागत भाषण में कहा कि परिवार में एक महिला शिक्षित रहे तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। समाज की हर महिला को वर्तमान में सक्षम होना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सुजाता साखरे और डॉक्टर चेतना पाठक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन खुशी तुरुकमाने ने किया और तनुषा तागड़े ने मान्यवरों का आभार माना। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राध्यापिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर में प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाथ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वर्धा के सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित वसंत महादेवराज जलित द्वारा वायोलिन वादन की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। इस संगीत सभा का उद्घाटन संस्कार भारती विदर्भ अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध कलाकार कमल भोंडे, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवाड़कर एवं श्रीकांत देसाई द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। पंडित वसंत महादेवराज जलित ने अपने वादन का प्रारंभ राग अहिर भैरव की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति से किया। इसके पश्चात उन्होंने राग चारुकेशी की सुमधुर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन राग भैरवी की प्रस्तुति से हुआ। तबले पर स्वप्निल सरदेशमुख ने साथ संगत की। कार्यक्रम का मंच संचालन श्वेता शेलगांवकर ने किया। इस प्रातःकालीन संगीत सभा का दर्शकों ने आनंद लिया। कलाकारों की प्रस्तुति को दर्शकों ने काफी सराहा। महान समाज सुधारक और महिला शिक्षा के अग्रदूत महात्मा फुले को उनकी जयंती के अवसर पर महावितरण क्षेत्रीय कार्यालय में अभिवादन किया गया। इस अवसर पर नागपुर रेंज के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, नागपुर सर्कल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के, अधीक्षक गण अभियंता नारायण अमझरे, अजय खोबरागड़े, अमित परांजपे, उप महाप्रबंधक प्रमोद खुले, सहायक महाप्रबंधक रूपेश देशमुख, प्रदीप सातपुते, कार्यकारी अभियंता समीर शेंद्रे, राजेश घाटोले, मंजुषा आड़े, प्रज्वला किरनाके, संयुक्त मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मधुसूदन मराठे, वरिष्ठ प्रबंधक अशोक पोईनकर, सिस्टम एनालिस्ट प्रवीण काटोले, प्रसन्ना येलने, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लाहने तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
महाराष्ट्र आर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित कला सागर चित्रकला महाविद्यालय में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का शुभारंभ युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने दीप प्रज्वलित करके एवं महात्मा फुले की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पण करते हुए किया। संस्था अध्यक्ष संचालक प्रोफेसर गोपाल पट्टम ने मंच संचालन करके विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर नागपुर शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष रविभाऊ गौर, वरिष्ठ समाजसेवक राजा चिलाटे, युवा नेता अतुल नवनागे, प्रवीण गौर, बबलू गौर, राजेश पिंदाम आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इतवारी रेलवे स्टेशन का अजनी स्टेशन की तर्ज पर विकास करने की मांग रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे से विधायक कृष्णा खोपड़े ने की है। उन्होंने दिल्ली में उनसे मुलाकात कर नागपुर को रेल जोन बनाने की मांग एक बार फिर रखी। उन्होंने कहा कि इतवारी रेलवे स्टेशन से लेकर कलमना स्टेशन तक लगभग 500 एकड़ जमीन रेलवे की है। इतवारी उद्योग व्यापार का बड़ा केंद्र है। कलमना मार्केट जैसा एशिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार भी निकट है। अतः इतवारी रेलवे स्टेशन का विकास होने पर परिसर में व्यापार के साथ साथ रोजगार में भी इजाफा होगा। इस स्टेशन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम देने की मांग भी उन्होंने मंत्री दानवे के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि नागपुर में मध्य रेलवे का जोनल कार्यालय मुंबई में स्थित है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल कार्यालय बिलासपुर में है। दोनों जोन के महाप्रबंधकों के कार्यालय नागपुर में स्थापित करने की मांग भी उन्होंने रखी। खोपड़े ने सुझाव दिया कि यह कदम रेल विभाग संबंधित विषयों को यहीं पर सुलझाने में मददगार साबित होगी। मध्य नागपुर में हंसापुरी छोटी खदान में स्थित सार्वजनिक खदान दुर्गा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नारी शक्ति का व्याख्यान एवं बेटियों को गलत राह से बचाने व उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनवणे द्वारा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी भावसार, भाग्यश्री राउत, सरला गायकवाड़ ने बच्चियों का मार्गदर्शन किया। अध्यक्ष संयोजक गोपाल पट्टम ने प्रास्ताविक भाषण दिया। प्रमुख अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता समाजसेवी रमन पैगवार, नगर सेविका सरला नायक, मानव सेवा सुरक्षा संघ के अध्यक्ष रवि गौर केसवानी, भोसला मिलिट्री स्कूल की जयंती वर्मा, समाज सेविका नीरजा पाटिल, ममता वाजपेयी, संगीता निमजे, दिलीप चांदपुरकर राठौर, राजकुमार गौर उपस्थित थे। मार्गदर्शन शिविर को सफल बनाने में सचिव धीरज धूरिया, सहसचिव बबलू गौर, करण गौर, अनिल गौर, कमलेश गौर, वंदना गौर, आनंदी गोपाल पट्टम ने विशेष परिश्रम किया। मंच संचालन अनिल कुमार नायक ने किया। कला मंच की पहल से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला के सत्कार समारोह का रोचक आयोजन विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मंच पर वसंतराव नाईक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंसेस के हिंदी विभाग प्रमुख डॉ. रेणु बाली एवं कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में कवि टीकाराम साहू, माधुरी राउलकर, प्रकाश कांबले, डॉ. आशीष मोदी, नीरज श्रीवास्तव, मानसी भांदककर, हेमलता मिश्र मानवी आदि ने सुंदर रचनाएं प्रस्तुत कर समा बांध दिया। प्रस्तावनाओं में अनिल मालोकर ने कला मंच की गतिविधियों से मान्यवरों को अवगत कराया। इसी तरह सत्कार मूर्ति का परिचय देते हुए अविनाश बागड़े ने उनके सामाजिक व साहित्यिक योगदान की चर्चा की। शॉल, श्रीफल, पुष्पहार एवं श्रुति चिन्ह प्रदान कर डॉक्टर खादीवाला का सत्कार किया गया। डॉक्टर खादीवाला की सेवाओं की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए डॉक्टर बाली ने कहा कि उन्होंने सेवा का आदर्श रखा है। समाज एवं साहित्य के क्षेत्र में वे निरंतर सेवारत है। सत्कार के उत्तर में डॉक्टर खादीवाला ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि आलोचनाओं की परवाह न करें, गलत लोगों का साथ छोड़ अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़े। सेन समाज के द्वारा इतवारी सराफा बाजार में सार्वजनिक प्याऊ का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष रमेश चांगल, विनोद पवार, प्रफुल्ल निर्वाण, राजेश सवड़िया, मनोज शर्मा, नरेश सेन, उमेश चांगल, नितेश सेन, यशवंत चांगल, राजा मारोठी, महेश वर्मा एवं समाज के सदस्यगण उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।